बॉलीवुड में सलीम खान के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। जितनी अच्छी लेखनी उतनी ही शानदार शख्सियत, लेकिन उनके स्क्रीन पे की तरह ही उनकी निजी जिंदगी बहुत नाटकीय रही है, कह सकते हैं बिल्कुल फिल्मी। हेलो फ्रेंड्स, मी एबी। सलीम खान का जन्म 24 नवंबर 1935 को इंदौर में हुआ था। सलीम खान का अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान से भारत आने का मुख्य कारण शिक्षा था। सलीम खान आर्थिक रूप से सुदृढ़ परिवार संबंध रखते हैं। इनके पिता इंडियन पुलिस इंदौर में DIG थे और वो अपनी बड़ी भाई द्वारा दी गई कार से कॉलेज आते जाते थे, वो भी उस वक्त जब कुछ ही लोगों के पास कार हुआ करती थी। वो कॉलेज के दिनों में एक अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ी भी थे और कॉलेज टूर्नामेंट में अपने कॉलेज के लिए खेलते थे। वो इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि उस वक्त की उन्हें इस प्रतिभा के चलते कॉलेज से MA के लिए छात्रवृत्ति की पेशकश की गई थी। सलीम खान एक ट्रेन पायलट भी हैं और उनके पास पायलट लाइसेंस भी है। पटकथा लेखक के रूप में करियर को अपनाने से पहले उन्होंने जूनियर अभिनेता के रूप में लगभग 11 फिल्मों में काम किया था। हालांकि उन्हें ज्यादातर अपनी भूमिकाओं के लिए क्रेडिट नहीं मिला। सलीम जावेद की जोड़ी उन्होंने ब्लॉकबस्टर फिल्म जंजीर के स्क्रिप्ट लिखी थी, जिससे अमिताभ बच्चन की 26 सुपरस्टार के रूप में स्थापित हुई। साल 2014 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नॉमिनेट किया गया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि सलीम खान ने पुरस्कार ग्रहण करने से मना कर दिया था, क्योंकि सलीम को लगता था कि वो कम से कम पद्म भूषण पुरस्कार योग्य है। 30 साल की उम्र में एक्टिंग करियर की शुरुआत करने वाले सलीम ने 1964 में सुशीला चरक से शादी कर ली थी। बाद में सुशीला सलमा बन गई। उनकी जिंदगी में तब एक नया मोड़ आया जब लगभग उसी समय सलीम को उस जमाने के मशहूर कैबरे डांसर हेलेन से प्यार हो गया। लोग भले ही हेलेन को सलीम की जिंदगी की दूसरी औरत माने, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। दरअसल सलीम हेलेन को अपनी शादी से पहले से जानते थे और इसके साथ तीसरी कसम और सरहदी लुटेरा जैसी फिल्मों में भी काम कर चुके थे। दोनों ने एक लंबे रिलेशन के बाद 1980 में शादी कर ली। सलीम का कहना है कि पता नहीं कब उन्हें प्यार हो गया, लेकिन एक लंबे वक्त के बाद हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम देने का सोचा। अभी सलमा और हेलेन में भले ही बहुत अच्छा प्यार नजर आए, लेकिन एक वक्त था जब सलमा को हेलेन और सलीम का रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। सलमा के चारों बच्चे भी अपनी माँ के साथ थे। धीरे धीरे सलमा और बच्चों ने हेलेन को एक अच्छा इंसान मानते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया। इस तरह सलीम हेलेन की लव स्टोरी की हैप्पी एंडिंग तो हुई, लेकिन अब सलीम ही है लोगों को ऐसे स्थिति से बचने की सलाह देते हैं। एक इंटरव्यू में सलीम ने कहा था कि दो बार प्यार में पड़ना उनके लिए एक ब्यूटीफुल इंसिडेंट था। उन्होंने कहा कि मैंने सर्वाइव कर लिया, लेकिन मैं सबको इससे दूर रहने की सलाह दूंगा। आप ये भी सभी जानते होंगे कि अर्पिता सलमान की सगी बहन नहीं है, बल्कि अर्पिता को सलमान के माता पिता द्वारा गोद लिया गया था। सलमान के साथ साथ अरबाज खान और सुहेल खान यानी तीनों खान भाइयों का अपनी बहनों के प्रति प्रेम तक जाहिर है। तीनों भाई अपनी दोनों बहनों अलबीरा और अर्पिता से बहुत प्यार करते हैं। सलमान और अर्पिता का लगाव बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए अर्पिता ही सबसे ज्यादा सलमान के करीब नजर आती हैं। चाहे वो बात प्रमोशन की हो या बॉलीवुड पार्टीज की या फिर कोई फैमिली फंक्शन की, सलमान खान और अर्पिता साथ जरूर देखे जाते हैं। आपने कभी सोचा कि सलीम खान के तीन बेटे यानी सलमान, अरबाज और सुहेल और एक बेटी अलबीरा के होते हुए भी अर्पिता को गोद क्यों लिया गया? इसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ खास लोगों के माने तो उन दिनों जब सलीम और सलमा फुटपाथ के पास से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बेटी को जन्म देने के बाद एक गरीब महिला उसकी मौत हो गई थी। मासूम जो कि अर्पिता है, उसको ऐसी हालत में फुटपाथ पर पड़ा देख सलीम और सलमा का दिल पसीज गया और वो उसे अपने साथ घर ले आए। दोनों ने उस मासूम बच्ची को अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। तो वही कुछ लोगों का कहना है कि सलीम की दूसरी पत्नी हेलेन ने अर्पिता को अडॉप्ट किया है। वो एक अनाथ आले से उन्हें घर लेकर आई थी। तब से खान परिवार की महत्वपूर्ण सदस्य बन गई हैं। सलीम अपनी बेहतरीन फिल्मों के लिए जैसे सीता और गीता, जंजीर, दीवार, डॉन, शोले इत्यादि जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। सो एट द एंड, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पेज के आप मुझसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल में न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।